अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सबमर्जिबल डीसी वाटर पंप की पर। ये 24 वोल्ट डीसी सोलर सबमर्जिबल वाटर पंप है। चेक किया था हमने, चलाया था इसको 12 वोल्ट पे। हमने कहा चलो ट्राई करते चलते कि नहीं चलते, क्योंकि ये आया था बनने के लिए। तो साजी ने कहा कि आए हुए अगर आपने वीडियो बनानी तो आ जाओ। मैं गया तो साजी के पास वीडियो बनाने के लिए। ये है पुराने मॉडल का, वैसे इसको जो ना पावर चाहिए 150 150 की। अगर 150 150 आपको जो ना चार प्लेटें लेने पड़ेंगे उसकी इसके लिए, क्योंकि मॉडल थोड़ा सा पुराना है। और तकरीबन कीमत भी वो बता रहे थे साजी इसका, तकरीबन 14-15 हज़ार कीमत होगा आज के दौर में। डीसी 24 वोल्ट हाल में 0.55 केवी था, जैसे आम होते 0.75, ये बिल्कुल उसी की तरह था। इम्पेलर इसमें भी लगी होती है और 0.75 में लगी होती है। डीसी सोलर पे चल रहा था और जो दूसरी होते हैं 0.75 वो बिजली पे चलते हैं। तो अच्छा था, प्रेशर भी अच्छा था, क्योंकि हमने जब चलाया था तो उस टाइम वो 12 वोल्ट पे चला रहे थे। 12 वोल्ट पे इसका प्रेशर होता नहीं है, कहीं पे कहाँ एक प्लेट और कहाँ दो प्लेट, कहाँ 12 वोल्ट कहाँ पे 24 वोल्ट। तो प्रेशर उस टाइम थोड़ा सा कम था, आप लोग भी देख लें, क्योंकि वो उस आदमी के पास एक ड्रम सा पड़ा होता है, जब वो कोई मशीन वगैरह ठीक करते तो उस ड्रम में चलाते हैं चेक करने के लिए। तो हमने भी चला लिया, हमने कहा चलो आज तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन और ऑल के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये उस्ताद ये इसका प्रेशर क्यों कम है? ये 12 वोल्ट के साथ चल रहा है। ये 24 वोल्ट है? 24 वोल्ट है। अच्छा, ये 12 पे, अभी 12 पे चल रहा है? अभी 12 पे एक प्लेट भी चल रही है। अच्छा, एक प्लेट भी चल रही है। ये कौन से बड़े वाला है मोटर? हाँ, बड़े वाला है। इम्पेलर वाला? तो इसका क्या कीमत का पता है? क्या कीमत होती है इसकी? अरे इसकी कीमत चल रही है अभी मेरे ख्याल में 14 हज़ार में आ रही है, 15 हज़ार में। 14-15 हज़ार में जी। तो इसके अंदर इम्पेलर लगे होते हैं ना? जी, इम्पेलर लगे होते हैं। और इसको जो प्लेटें लगती है सोलर पैनल, वो तो इसको काफ़ी ज़्यादा नहीं लगती? चार? हाँ, चार प्लेटें इसको लगती हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में पुराना मॉडल है। नया मॉडल नहीं है, पुराना मॉडल। पुराना मॉडल, क्योंकि इसका जो हेड है वो भी थोड़ा सा कम है। और सोलर डी सी 0.75। अच्छा, इसमें 0.75 का क्या मतलब होता है? 0.75 किलोवाट होता है। अच्छा, 0.75 किलोवाट जी, जैसे वो एसी वाले होते हैं बिजली वाले जी, उसका तो वो 0.75 किलोवाट, वो 0.75, वो भी 0.75 किलोवाट होती है। हॉर्स पावर बनती है एचपी, एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जी। तो इसका क्या क्या हिसाब किताब है? 24 वोल्ट है जी, ये 0.75 के मुकाबले में क्यों इस पर लिखा हुआ है?